हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विद वन मोर टॉपिक फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, देन टुडे आई विल डिस्कस एमसीक्यू ऑफ रेशियो एनालिसिस। आज हम ये जो एमसीक्यू रहेगा इसमें मैं आप लोग के साथ, देखिए डायरेक्ट एमसीक्यू भी रहेगा और कुछ सम्स भी लाया हूँ रेशियो एनालिसिस का, और आप लोग के सामने मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग को समझ आएगा कि हाँ कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, और आप अवेयर हो पाओगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ओके, फॉर दैट रिगार्डिंग आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट की आई विल टेल यू दैट की गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर, बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट की इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, प्रिपरेशन करो बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, सो क्रेडिट ऑफिसर के लिए मैंने स्पेशल एमसीक्यू बनाया है। ओके, फॉर योर प्रिपरेशन, जैसा कि आप देख रहे हो इसी टाइप का एमसीक्यू उसमें भी रहेगा। ओके, सो ये तो बस एक थोड़ा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, पर उसमें बहुत सारे एमसीक्यू है। अगर बात किया जाए रेशियो एनालिसिस का तो उसमें 200 से प्लस एमसीक्यू है फॉर रेशियो एनालिसिस, समझ सकते हो कितना सारा एमसीक्यू है। सो अगर नंबर ऑफ एमसीक्यू की बात किया जाए तो उसमें आपको 2000 से प्लस एमसीक्यू आपको उसमें देखने को मिलेगा, और उसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी रहेगा मोर देन 200-300, तो ऑलमोस्ट 2500 उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 2500। सो दिस एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। ओके, सो उसको आप कैसे परचेस कर सकते हो, वो एमसीक्यू को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए, एवरीथिंग आर मेंशन कि हाउ यू कैन परचेस दैट एमसीक्यू। ओके, सो फुल डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप देख लो। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम। ओके, सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रेशियो एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है कि रेशियो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल रेशियो इज आल्सो नोन एज। देखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो को और क्या बोला जाता है, तो वर्किंग कैपिटल जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है करेंट रेशियो। ओके, जो वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है उसको बोला जाता है करेंट रेशियो। तो इसका तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। देखिए, ये जो एमसीक्यू है वो मैं वहीं से लाया हूँ जो मैं एमसीक्यू में बनाया हूँ आप लोगों के लिए, बस एक सैंपल समझ लो कि थोड़ा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, पर रेशियो एनालिसिस का आपको 200 से प्लस एमसीक्यू रहेगा। रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रेशियो एनालिसिस से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ओके, तो आप इस टॉपिक को तो खासकर अच्छा से प्रिपरेशन करो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज आल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल रेशियो को और क्या बोला जाता है, करेंट रेशियो। ओके, इसको बोला जाता है करेंट रेशियो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्या बोलता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ जंप लिमिटेड फॉर ईयर इज, क्रेडिट सेल कर रहा है एक साल में 12 लाख का, ठीक है, क्रेडिट सेल कर रहा है, उधार में बेच रहा है 12 लाख का, क्रेडिट सेल ऑफ जंप लिमिटेड फॉर द ईयर इज 12 लाख क्रेडिट सेल कर रहा है, उधार में बेच रहा है, एंड द डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, और डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि 2,40,000 अभी भी बकाया रह गया, मतलब उधार बेचा था तो अभी पैसा नहीं दिया 2,40,000, ठीक है, तो क्रेडिट सेल ऑफ सेल हुआ था, क्रेडिट सेल किया था 12 लाख एक साल में, ठीक है, पर और लोग पैसा चुका दिए, पर 2,40,000 रुपया जो डेटर है वो पैसा नहीं चुका है, तो डेटर है एक साल का 2,40,000 और क्रेडिट सेल हुआ टोटल एक साल का 12 लाख। ओके, तो फिर क्या बोल रहा है कि अज्यूम करिए कि 360 दिन होता है एक साल में, अज्यूम करने बोल रहा है आपको कि 360 दिन होता है एक साल में। देखिए, अगर आपको अज्यूम करने बोल दिया एक साल में 360 दिन, तो आपको 360 दिन ही लेना है, और अगर आपको नहीं दिया तो फिर आप 365 आप ले सकते हो, पर अगर अज्यूम करने बोल रहा है कि एक साल में 360 दिन लो, तो क्या है आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो बोल क्या रखा यहाँ पे आपको निकालने, क्या बोला, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको निकालने बोला है। ओके, सो आपको निकालने बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो आप इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला है, वन मिनट, हाँ देखो,
एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 360, क्योंकि 360 दिन इन लोग बोल रहा था। ओके 360 दिन इन लोग बोल रहा था। ओके 360 यहाँ पे 360 होगा। ओके तो इन लोग 360 दिन बोल रहा था, इसलिए डेटर बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। तो यहाँ पे आपका ये सोच लो, यहाँ पे देख लो आपका क्रेडिट डेटर कितना है एक साल का, डेटर बाई क्रेडिट सेल इंटू 360 डेटर आप लोगों का 240,000। ओके सो डेटर है 240। ओके सो डेटर हियर इज 240,000 आपका डेटर है। ओके और उसके बाद क्रेडिट सेल है एक साल का 12 लाख। ओके सो क्रेडिट सेल है एक साल का 12 लाख। ओके सो 12 लाख हो गया क्रेडिट सेल। ओके और 360 दिन बोल रहा था एक साल में। ओके सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि 24,500 हो जाएगा, 24,500। और इसको आप इससे करोगे मल्टीप्लाई करोगे 5 को 360 को, ये हो जाएगा 72। ओके सो दिस इज द आंसर। ओके 72। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 72 डेज। ओके तो यहाँ पे आंसर होगा 72 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है डेटर बाई क्रेडिट सेल इंटू 360। ओके और तो यहाँ पे आपका जो डेटर दिया था 240,000 और क्रेडिट सेल है 12 लाख। ओके तो 12 लाख इंटू 360। ओके तो 72 डेज हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके सो ये जो जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके बताया, पर ये जो एमसीक्यू आपको मिलेगा उसमें ऑलरेडी सोल्वड रहेगा। ओके यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, पर एमसीक्यू जो आप परचेस करोगे उसमें सारा कैलकुलेशन करके रहेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो इसलिए तो एमसीक्यू है, बस ये एमसीक्यू नहीं है, जहां पे रिक्वायर्ड है एक्सप्लेनेशन का वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। सो अभी भी बहुत समय है, मैं तो ऐसा एमसीक्यू बनाया हूं कि वो तो आप परचेस करोगे तो विद इन 1 वीक आप टोटल कोर्स को टोटल सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। जो आपका जो 100 मार्क्स का जो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जितना भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो अगर मेरे एमसीक्यू से, तो वो एमसीक्यू से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो विद इन 1 वीक यू कैन कंप्लीट योर कोर्स। जो 100 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स आप कंप्लीट कर सकते हो वो एमसीक्यू से। तो वो एमसीक्यू कैसे परचेस करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एवरीथिंग आर मेंशन कि हाउ यू विल परचेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके सो हम लोग डिस्कस कर लिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए एक और क्वेश्चन है। देखिये ये सोल्व रहेगा आपका एमसीक्यू में सोल्व रहेगा, यहाँ पे बस आपको सामने बस दिखाने के लिए कि हाँ किस टाइप का एमसीक्यू है वो आप परचेस कर सकते हो, बस इसलिए मैं आपको लोगों के सामने सोल्व कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बस किस टाइप का एमसीक्यू है, सो डेट कि यू कैन परचेस एंड आप प्रिपरेशन अच्छा करो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आपको पता है कि अगस्त में होने वाला है आप लोग का एग्जाम 21 अगस्त। हाँ 21 अगस्त इज योर एग्जामिनेशन डेट फॉर क्रेडिट ऑफिसर, सो वेरी फ्यू डेज आर लेट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्रिपेयर वेल। ओके सो बहुत कम दिन है, 20 दिन लगभग बचा है, तो अच्छा सा पढ़ाई करो। चलो ठीक है चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2015 फिगर स्ट्रक्चर, देखिए क्या क्या बोला फिगर, बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल लिमिटेड, बैलेंस शीट दिया हुआ एक्सेल लिमिटेड का आर एस अंडर, ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, परचेस किया है 2,42,000। ठीक है फिर बोलता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको निकालने बोल रहा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अगर बात किया जाए फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इसका फॉर्मूला होता है. सो आपको देखिए, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आए. देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, पर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आई थिंक दैट कि आप लोग को पता होगा, पर आप लोग को पता नहीं है तो देख लो. अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की मुझे लगता है कि आप लोग को आता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आता तो प्रिपरेशन आप अच्छा से करो. ठीक है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो एक क्लोज ए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसको हो गया. सो ये देखो कि ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक 29,000. ओके, सो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 29,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस 29,000, ओपनिंग स्टॉक 29,000 है. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इज 29, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, परचेस कितना है, परचेस कितना किया है 242,000. ओके, दो परचेस किया है 242,000, 242,000 परचेस किया है. ओके, 242,000 परचेस किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 31,000 इज क्लोजिंग स्टॉक. ओके, 31,000 इज क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 240,000. ठीक है, 240,000 आ रहा है, 29,000 इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करो 29,000. देखो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 240,000. ठीक है, कैलकुलेट करो, 240,000 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे निकालने क्या बोला, स्टॉक टर्नओवर. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग निकाल दिए. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक आपको पता होगा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई टू. तो देखो 29,000 है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 31,000. सो अगर इसको प्लस करके डिवाइड करोगे दोनों को तो आपको जो आएगा एवरेज स्टॉक वो आएगा 30,000. 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई टू इज 30,000. ओके, सो एवरेज स्टॉक इज, एवरेज स्टॉक इज 30,000. ओके, सो आप हम लोग डायरेक्ट 30,000 लिख देंगे एवरेज स्टॉक में. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक जैसा कि हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए कि 29,000 ओपनिंग स्टॉक है और क्या है, 29,000 ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था 31,000. तो 60,000 होता है, तो डिवाइड करोगे दो से तो हो जाएगा 30,000. ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा, तो इसका जो एवरेज स्टॉक हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा. तो इसको आप इसको ठीक करो, एड करो 30, तो 8 हो जाएगा. ओके, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 8. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 8 times. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 times. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया डी. सो ये जो एमसीक्यू है मैं आपको बस आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ, पर जो एमसीक्यू आप परचेस करोगे ना उसमें ऑलरेडी सब सोल्व रहेगा. ओके, सो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, सो आप आज ही परचेस करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कैसे परचेस करना है एवरीथिंग आर मेंशन. ओके, फिर भी समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम में पूछ लो कि परचेस कैसे करना है,
मेरा टीम आपको बता देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज्ड इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा मेथड है जो कि एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो होता है ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। ओके सो ट्रेंड एनालिसिस। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव देखो कि दाज आर नेसेसरी फॉर स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फाइनेंशियल पोजिशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो इसका भी आंसर आपका ट्रेंड रेशियो हो जाएगा, ट्रेंड रेशियो, ठीक है। ट्रेंड रेशियो आंसर यहाँ पे देख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। ये एमसीक्यू वैसा ही है, वो है जो एमसीक्यू आप लोग को मिलेगा रेशियो एनालिसिस का। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 200 से प्लस एमसीक्यू है रेशियो एनालिसिस का, तो सोच लो कि और कितना होगा, बहुत सारे एमसीक्यू है, आप अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो क्या बोलता है कि रेशियो डेट कंपेयर इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। कौन सा रेशियो होता है जो कंपेयर करता है इन्वेस्टर और क्रेडिटर, क्रेडिटर स्टेक इन कंपनी का, कंपनी में, ठीक है। कौन सा, कौन है, कौन ऐसा रेशियो है जो कंपेयर करता है, ठीक है। तो वो है डेट, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ओके डेट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो कि डज इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो बोला जाता है, वो होता है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ओके सो एक और है, एक और देख लो, कैपिटल गियरिंग रेशियो वो किसके अंदर आता है, वो आता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। ओके सो ये जो बताया मैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है, जिससे जो रेशियो है ना रेशियो को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करके, तो उसके अंदर क्या आता है वो भी आप देख लेना, ठीक है। सो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हाँ आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, परचेस माय एमसीक्यू फुल डिटेल, फुल डिटेल आर मेंशन इन फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। ओके फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे कैसे परचेस करना है एवरीथिंग आर मेंशन। हाँ एक चीज़ और, वो एमसीक्यू में, वो एमसीक्यू मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। ओके मात्र 500, ओके मात्र 500 यू कैन परचेस, प्राइस है मात्र 500, मात्र 500 में आप परचेस कर सकते हो, मात्र 500। ओके सो 500 में अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो और क्या चाहिए आपको, 500 में आपका, आपको अप्रोक्स से 2000 प्लस एमसीक्यू रहेगा आपको, और आपको 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा। सो आपको बस 500 पेमेंट करना है, इतना में आपको सारा कुछ आपको कवर रहेगा। ओके सो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं, आई थिंक सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एंड यू कैन परचेस माय एमसीक्यू, आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कैसे परचेस करना है। ये जो एमसीक्यू है इसी तरह का एमसीक्यू उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये तो बस एक झलक है समझो, एक ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर है, बाकी पूरा वो तो पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कितना डिटेल में पूछा हुआ है। अगर ये कर लेते हो ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना समझ लो। अगर जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, और मैं क्योंकि यूट्यूब पे तो सारा कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, टाइम लिमिटेड है, और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एवरीथिंग आई कैन नॉट टीच इन यूट्यूब। सो यू कैन परचेस माई एमसीक्यू, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके सो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Thank you.